आरआईपी और रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, सभी रिकॉर्ड्स को श्रद्धांजलि दे दिया है गदर एक प्रेम कथा। तो दोस्तों हो जाइए फाइनली तैयार, क्योंकि आज लेके फिर से आ चुका हूँ गदर एक प्रेम कथा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अपने 10वें दिनों तक कितने कमाई की है सनी पाजी अमीषा पटेल की फिल्म, यानी कि दोस्तों 2001 में ब्लॉकबस्टर होने के बाद फिल्म को फिर से रिलीज किया गया था 9 जून 2023 को। मेकर्स का मानना था कि गदर 2 से पहले गदर एक प्रेम कथा को रिलीज किया जाए, और दोस्तों वो रिलीज किए और दोस्तों वो फ़ायदा मेकर्स को मिला और सनी पाजी को भी मिल गया है। यानी कि दोस्तों फिल्म इतनी ज़्यादा बेहतरीन कमाई कर रही है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते यार। इतना ज़्यादा बम्फर ओपनिंग के साथ जब स्टार्ट हुई थी, उसके बाद भी लगातार दे दनादन कलेक्शन आ रही है। यानी कि दोस्तों 9 जून से लगातार बेहतरीन कलेक्शन कर रही है फिल्म। तो दोस्तों 9 जून को कलेक्शन करती है, 30 लाख का ओपनिंग लेती है 9 जून को, और दोस्तों ये सिलसिला चलते रहती है और फिल्म का आज आता है 30वां दिन। तो दोस्तों 30वां दिन का कलेक्शन आता है 7 लाख रुपए का। जी हाँ दोस्तों, अपने 30वें दिन से पूरे भारत से कमाई निकालता है 7 लाख रुपया, और दोस्तों टोटल कलेक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 6 करोड़ 60 लाख का। जी हाँ दोस्तों, 30 दिनों में 6 करोड़ 60 लाख का बिजनेस कर लेता है गदर एक प्रेम कथा। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गदर एक प्रेम कथा से। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें। और दोस्तों आप इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल समोसा क्रिटिक्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों आप दे भाई को इजाज़त। भाई मिल रहा है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।